है आपका मेरे YouTube चैनल निधि हेल्थ योगा एंड लाइफस्टाइल में, और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं, और भगवान श्री कृष्ण आप सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर मैं बनाने जा रही हूँ भगवान का बहुत ही पसंदीदा भोग, धनिया की पंजीरी और माखन मिश्री का भोग हम चढ़ाएंगे। तो कैसे कैसे जन्माष्टमी को हम कैसे भगवान को भोग करें, तो आइए चलते हैं मेरी किचन की ओर। की पंजीरी के लिए हमें चाहिए, मैंने लिया एक बाउल धनिया, एक बाउल क्रश किया हुआ कोकोनट। अगर आप क्रश किया हुआ नहीं है तो आप जो कोकोनट होता है उसको क्रश कर सकते हैं, और ये रेडीमेड क्रश है। एक बाउल शुगर और कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम एक लेंगे कढ़ाई, इसको हमने गैस ऑन कर दिया है, और इसको हम थोड़ा कढ़ाई गर्म करेंगे। इसमें हम हल्का सा घी डालेंगे, और इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब मैं डालूँगी इसमें जो हमारा धनिया था, और इसको हम हल्का सा जब तक इसका हल्का स्मेल तक ना आए तब तक हम इसको हल्का सा पकाएंगे। इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट तक, और ये बहुत ही ईजी पंजीरी है, इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ये बहुत ही झटपट बन जाती है, और ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही पसंदीदा पंजीरी है। इसको जन्माष्टमी के अवसर पर ज़रूर बनाया जाता है। तो हम इसको अच्छे से चलाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और ये हमारा जो पंजीरी, ये जो हमें धनिया था, ये पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसको ठंडा होने रख देंगे, और अब हमने एक दूसरा पैन ले लिया है। मैं थोड़ा पंजीरी को हेल्दी बनाना चाहती हूँ, ज़्यादा हम ऑयली यूज़ नहीं करेंगे। तो इस पर पहले मैंने एक पैन रखा, और इसमें हमने अपने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे, और इसमें ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो हमें क्रश करके जो हमारा धनिया की पंजीरी उसमें हम डालेंगे, तो हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे विदाउट ऑयल विदाउट घी। और जो ये शुगर है इसको हम हल्का सा मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे, बिकॉज हम इसको पीस लेंगे। अगर आपके पास रेडीमेड चीनी का बुरादा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इसको हल्का सा मिक्सी में पीस लूँगी। और हमारी ये जो धनिया की पंजीरी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने क्रश किया हुआ शुगर है, इसको हम डालेंगे, और हमें डालेंगे क्रश किया कोकोनट। इसमें हम डालेंगे अपने मखाने, और जो हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया है ये सब डालेंगे, और इनको अच्छे से अब हम मिला लेंगे। तो हमने इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है, और ये पंजीरी इस तरह से हो चुकी है, और ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो ये है धनिया की पंजीरी। क्योंकि कृष्णा को कान्हा को माखन बहुत ही पसंद है, और हमने बहुत देखा है हर चीज़ में कि वो माखन बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो जन्माष्टमी हो और माखन ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये है काऊ मिल्क की जो मलाई होती है वो ये है, इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड करके इसका मैं मकानूँगी मक्खन। तो आइए इसको मैं ग्राइंड करती हूँ, और ये मिक्सी में ग्राइंड करके इसको धो के ये बन चुका है मक्खन। तो मेरा रेडी है मक्खन। ये पंचामृत जो बहुत ही जन्माष्टमी में ये बनाया जाता है, तो इसे मैंने लिया है हल्का सा कच्चा दूध गाय का बिना उबले हुए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच आधा चम्मच शहद, और इसमें 1 चम्मच घी, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें दही। पंचामृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 चीज़ों को हम मिलाते हैं, तो इसमें मैंने मिलाया दही मिलाया है, घी मिलाया है, शहद मिलाया है, और हम मिलाएंगे तुलसी के पत्ते, और हमने डाल दिए 1 और 2 तुलसी के पत्ते, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो रेडी हो चुका है मेरा ये भोग भगवान श्री कृष्ण को लगने के लिए, और आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने इसको इन्जॉय किया होगा, और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक चीज़ और कि भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी पत्र रखा है, बिकॉज भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं, और विष्णु भगवान को तुलसी बहुत ही प्रिय है, और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए आप तुलसी का भोग भी तुलसी पत्र भी जरूर भगवान को चढ़ाएं। तो ये था मेरा जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग, और खीरा भगवान को बहुत ही कृष्ण भगवान को ये जब चढ़ता है, बिकॉज कहते हैं जो इसकी, क्योंकि मेरे पास की कोई एक नाल नहीं थी, तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को इसी से इसका जन्म माना गया है, तो खीरा भी भगवान श्री कृष्ण को चढ़ता है। तो ये था जन्माष्टमी स्पेशल। आई होप यू लाइक माई वीडियो। हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।